पीटी एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग के मॉड्यूल के बारे में कि उसमें आप कैसे 65 या 70 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं विद इन 7 डेज। कौन सी वो ट्रिक्स रहेंगी, कौन सी वो स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको स्किप ना करें ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके रीडिंग में मार्क्स आएंगे कहाँ से। सबसे पहले है जो हमारा स्पीकिंग में रीड अलाउड। अगर आपके रीड अलाउड अच्छे हैं तो आपके 22 मार्क्स तो आपके यहीं से होंगे। और बाकी है हमारी समराइज रिटन टेस्ट, राइटिंग की समरी, जिससे कि हमारे 10 मार्क्स जाएंगे रीडिंग के मॉड्यूल में। तो कितने मार्क्स हो गए हमारे टोटल, 22 और 10, 32 मार्क्स हो गए यहीं से हमारे, देखो रीडिंग में। और बाकी जो हमारे लिसनिंग के हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड होते हैं, 9 या 10 मार्क्स हमारे यहाँ से जाते हैं। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए, 32 और 10, 42। तो आप 42-43 मार्क्स आप बाकी मॉड्यूल से निकाल सकते हो। और अगर आपकी जो रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आप 50% भी ठीक करते हो तो आप आसानी से मार्क्स इसमें अटेन कर सकते हो 70 प्लस। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपकी रीड अलाउड में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, समराइज रिटन टेस्ट में आपको कौन सी ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी जिससे कि उसमें मार्क्स ना कट हो, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड आपके कैसे ठीक होंगे, और 50% भी आपकी जो रीडिंग है वो कैसे ठीक हो पाएगी, 50 या 70% भी आपकी रीडिंग इससे ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीड अलाउड की। कोई भी एक रीड अलाउड निकाल, तो चलिए जैसे ये एक रीड अलाउड है, ये आपको कैसे बोलना है, कैसे आपके इसमें 80 प्लस मार्क्स आएंगे, कहाँ पर आपको इसमें पोज रखनी है, कौन से वर्ड ऐसे हैं जो आपको स्किप करनी है जिससे कि आपकी जो है फ्लुएंसी अच्छी आएगी। क्योंकि स्पीकिंग में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फ्लुएंसी। कॉन्टेंट इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर हमारी फ्लुएंसी करती है, जो कि हमारा स्कोर को बूस्ट करेगी। सो हमारा सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए, फ्लुएंसी में। तो जो 35 सेकेंड आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे आपको उसको वेस्ट नहीं करना। आपको उसमें क्या करना है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक हो गया, सरप्राइजिंगली, कि आप उनको बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, ना कि इन वर्ड्स की, फोर टू द इन वर्ड की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है 35 सेकेंड में, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको ये वाला बोल के दिखाता हूँ। येलो इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कलर, येट सरप्राइजिंगली पीपल लोज देयर टेम्पर्स मोर ऑफन इन येलो रूम्स एंड बेबीज क्राई मोर इन दैम। The reason may be that yellow is the hardest color for eyes to take in, so it can be overpowering if overused. अभी आपने ये सुना होगा तो मैंने इसमें कहाँ पे पोज रखे हैं, फुल स्टॉप पे रखे हैं या फिर मैंने इसमें पोज रखे हैं कोमा पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा स्कोर ये कितना देता है। जो एपियोनी की स्कोरिंग है वो 60-70% आपके रियल एग्जाम से मैच करती है, ठीक है। अभी इसने कितने मार्क्स दिए हमको, 83। जो हमारा कंटेंट है वो 90 है, प्रोनाउंसिएशन 83 है, फ्लुएंसी 80 है, सभी वर्ड टोटली ग्रीन है। ये भी वर्ड उसने एवरेज या बैड नहीं दिखाया हमारा। जो आपके रीडिंग में इससे मार्क्स जाएंगे वो किससे जाएंगे, कॉन्टेंट से। तो कॉन्टेंट हमारा 90 में से 90 आया है तो हमारे 23 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं, ठीक है। तो एक और कोई रीड अलाउड करके दिखाता हूँ मैं आपको, आपको सही समझ में आएगा कि कैसे बोलना है। कोई और एक रीड अलाउड निकालते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको। भी एक और रीड अलाउड है, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर इसमें कितना आता है, कैसे इसको बोलना है, कौन से वर्ड अगर आपको स्किप करने हैं तो कहाँ पे वो स्किप करने हैं, कैसे वो स्किप करने हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीकों से बोल के दिखाऊंगा कि कैसे आप बोलते हो और कैसे बोलने से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट कर देते हैं। Programming is the art of expressing solutions to problem so that a computer can execute those solution. Much of the effort in programming is spent finding and refining solution. Often, a problem is only fully understood through the process of programming a solution for it. जो कुछ स्टूडेंट है वो कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, कहीं पे उनकी जो पिच है वो ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे जो पिच है वो कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ऐसा करोगे तो स्कोर कम आएंगे। देखो अभी देखना आप कितने स्कोर आते हैं और फिर हम इसको सही ढंग से करेंगे कि ऐसे सही बोलने से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो अभी कितने मार्क्स आए हैं हमारे, 69। वर्ड बेस वर्ड हमारे सारे क्लियर हैं, बट क्या है, पोजेस आई हुई हैं, येलो वर्ड भी हैं हमारे, ठीक है। कंटेंट में 77 मार्क्स गए हैं, से रीडिंग में हमारे फिर ऐसे कम मार्क्स आएंगे। हमें क्या करना होगा, 90 में से 90 मार्क्स लेके आने होंगे जब हमारे रीडिंग में 23 मार्क्स एग्जैक्टली जाएंगे। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको ये बोलना कैसे है, ठीक है। आप उसको ध्यान से सुनना और देखना कि मैं कहाँ पे पोज ले रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स सो दैट अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दोज सॉल्यूशंस। मच ऑफ द एफर्ट इन प्रोग्रामिंग इज स्पेंट फाइंडिंग एंड रिफाइनिंग सॉल्यूशंस। Often a problem is only fully understood through the process of programming a solution for it. अभी मैंने इसमें कहाँ पे पोज रखा है, मैंने इसमें रखा है पोज सॉल्यूशन के बाद फुल स्टॉप पे और फिर ओपन पे, ओपन के बाद कोमा आ गया तो मैंने वहाँ पे पोज रखा है इसमें।
अगर आप कोमा पे और फुल स्टॉप पे ही पोज रखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारे स्कोर कितना आता है इसमें। जो पहले वाला था वो भी आपने सुना कि उसमें कितना स्कोर आया था, और जो अब वाला है वो भी आपने सुना कि डिफरेंस क्या है बोलने में, किस वजह से हमारे स्कोर हैं वो इतने आए हैं 88 तक। कॉन्टेंट अब की बार हमारा कितना गया है 90। तो उम्मीद है कि आपको रीड अलाउड समझ आ गया होगा कि रीड अलाउड में हमें कैसे करना है। तो आगे बात करते हैं हम समराइज रिटन टेस्ट की, कि वो कैसे करना है, उसमें कैसे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्या उसमें स्ट्रेटजी है, क्या उसमें हमारा टेम्पलेट है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं अब। तो चलिए जैसे ये आ गया, इसको हम कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑल्दो लिख दिया। के बाद हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट लाइन उठाएंगे, कोई भी एक लाइन ऐसी उठाएंगे जिसमें कि ज़्यादा नंबर्स ना हो, जैसे 1 2 3 8 4 2 8, वैसे नंबर्स वाली लाइन हम कम ही उठाएंगे। तो जैसे ये वाली लाइन सही है इधर से, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से सबमिट तक, ठीक है। हमने ये कॉपी कर लिया और एज इट इज़ आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पेस्ट करना है इसको, कोई इसमें चेंज नहीं करना। जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल से स्मॉल करना है बस, बाकी इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो भी ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा, ये हमारी लाइन जो है थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है तो हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, इसको छोटी कर देंगे लाइन को, हमें और भी लाइन ऐड करनी है ना इसमें। तो अब लाइन ऐड करने के बाद हम क्या लगाएंगे, सेमी कोलन। मैंने कहाँ से कट किया है, ये कोमा के बाद। आप कोमा के बाद लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो और कोमा तक ही भी लिख सकते हो, तो फिर मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। सेमी कोलन के बाद आपने क्या लिखना है, आपने लगाना है हाउएवर लगा दिया, उसके बाद हम लगाएंगे कोमा, उसके बाद कोई अनदर लाइन, सेकंड लाइन, जिसमें हम सेकंड लाइन उठा लेते हैं ये वाली, सम से लेके सीजन तक। तो इसको कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो ये एस वाला है हम इसको कर देंगे स्मॉल, बाकी सारा ही एज इट इज़, और लास्ट में लगा देंगे हम सेमी कोलन। तो उसके बाद क्या लगाना है हमको, उसके बाद लगाना है हमें देयरफॉर लगा के फिर कोमा, उसके बाद कोई और लाइन उठाएं, उसके बाद कोई नेक्स्ट वाली लाइन उठानी है। जैसे हमको इसमें तीन लाइन उठानी है, एक स्टार्टिंग में से उठाएंगे, एक बीच में से और एक एंड में से। अब लास्ट वाले पैराग्राफ में से हम कोई लाइन उठा लेते हैं, इसमें जो आपकी मिनिमम वर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी रहेगी 57 वर्ड की, और मैक्सिमम आप 70 तक भी चले जा सकते हो। तो जो इसका दे है उसको हम स्मॉल कर देते हैं, और लास्ट में इसको कोमा को उठा के हम सिंपल फुल स्टॉप लगाते हैं। हमारे वर्ड हो गए 69। तो अब हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर कितना आता है। देखो हमारा स्कोर कितना है, 7 में से 7, कहीं पे भी मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए। अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो हमें क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसमें आपके डाउट नहीं होने चाहिए, समराइज रिटर्न में 7 में से 7 मार्क्स होने चाहिए। तो अब बारी है नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में, जो कि है हमारा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, उसको सुनते हैं। Leisure travel was, in a sense, a British invention. This was mainly due to economic and social factors. Britain was the first country to become fully industrialized, and industrial society offered growing numbers of people time for leisure. This, coupled with improvements in transport, especially the railways, meant that large numbers of people could get to holiday resorts in a very short time. Modern mass tourism, of a sort we can easily recognize today, began in 1841 when Thomas Cook organized the first package tour, in which everything was included in the cost: travel, hotel, and entertainment. To cater for the large numbers of new holidaymakers, holiday camps were established, both on the coast and in the countryside, and they became immensely popular. Their popularity declined, however, with the rise of cheap overseas tours, which gave many people their first opportunity to travel abroad. इसमें मेरे को डाउट है कि इसने पैकेट बोला था यहाँ पे या पैकेज बोला था, तो इसको भी लगा ही देते हैं, शायद उसने पैकेज ही बोला होगा ना, फर्स्ट पैकेज टूर। पैकेट टूर तो क्या होएगा, देखो सारे के सारे हमारे सही आए। कोई नेक्स्ट वाला भी ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं और देखते हैं वो कैसे करना है। In the 19th century, few people could afford to travel abroad. It was expensive and there weren't the mass transport systems that we have today. So curiosity about foreign lands had to be satisfied through books and drawings. With the advent of photography, a whole new dimension of reality became available. Publishers were not slow to realize that here was a large new market of people hungry for travel photography,
and they soon had photographers out shooting the best-known European cities, as well as more exotic places further away. People bought the pictures by the millions, and magic lantern shows were presented in schools and lecture halls. Most popular of all, however, was the stereoscopic picture, which presented three-dimensional views and was considered a marvel of Victorian technology. तो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमने सही लगाए हैं. देखो सारे के सारे जो हैं वो सही हैं. तो अभी बात यह है कि आप अपनी लिसनिंग की पावर जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कि जो लिसनिंग की पावर है वो कैसे इंक्रीज़ होगी. आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, उसके लिए जो पॉडकास्ट हैं साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट हो गया उनको सुन सकते हैं. वहाँ से आपकी क्या होगी, लिसनिंग की पावर इंक्रीज़ होगी. तो उससे आपके हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड सही हो जाएंगे. अब बात आती है हमारे रीडिंग के मॉड्यूल पे, जिसमें कि आपको 50% भी ठीक करने ही हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स. वो कैसे ठीक होंगे, कुछ इसके ग्रामर के रूल होते हैं और बाकी होती हैं कुछ कोलोकेशन और जो हैं, और बाकी अगर आप एप्यूनी की जो भी प्रिडिक्शन होती हैं, रियल पीटी की प्रिडिक्शन होती हैं, वो आप अच्छी तरह से कर लेते हो सारी की सारी. अगर आप रट्टा भी मारते हो उनका तो आप आसानी से 70+ मार्क्स लेके आ सकते हो रियल एग्ज़ाम में. वो जो रूल्स होते हैं और कोलोकेशन होती हैं वो कैसे यूज़ करनी है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो के बारे में, जो रूल्स होती हैं और कोलोकेशन होती हैं वो कैसे इसमें रीडिंग में यूज़ करनी होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. सो थैंक यू.